गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और बताइए कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग नौ और हमारा जो है डिनर वगैरह सब हो गया है और आज डिनर में बनाई थी चने की दाल एंड रो रोटी और जो है ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था तो बस वो सब कुछ जो है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया और खाना वगैरह खाकर अब मैं यहाँ लग गई थी अपना किचन क्लीनिंग में तो यहाँ पर मैंने वही अपना लाइजॉल वाला क्लीनर ले लिया है और उससे मैं अच्छे से गैस को और किचन काउंटर को जो है साफ़ कर देती हूँ और बाकी की जो चीज़ें रखी हुई हैं रैक वगैरह उन पर भी जो है थोड़ा थोड़ा हाथ मार दूँगी तो उस सुबह के लिए जो है किचन एकदम साफ़ मिलता है तो सुबह का काफ़ी जो है टाइम बच जाता है और किचन साफ़ करने के बाद फिर झाड़ू लगाकर मैं जो बर्तन है वो भी धुल दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा ये वाला जो है पूरा सीज़न निकल गया है बट अभी तक मैंने हलवा नहीं बनाया है तो हसबैंड कई दिनों से कह रहे थे हलवा बनाने के लिए और मैं भी जो है दो तीन दिनों से मलाई निकाल रही हूँ क्योंकि इस बार का जो हलवा है कुछ डिफरेंट होने वाला है मैं बिना दूध और बिना जो है मावा के हलवा बनाने वाली हूँ तो बस उसी के लिए मलाई निकाल रही थी क्योंकि मैं मलाई में हलवा बनाऊँगी बट जो है दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सच में सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है घर के काम करो बच्चे देखो और उसके बाद फिर यूट्यूब तो डेली सोच रही थी आज बनाऊं आज बनाऊं बट टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था तो फाइनली आज मैंने जो है नाइट का टाइम चुना है हलवा बनाने के लिए क्योंकि नाइट में वैसे भी मुझे काफ़ी देर तक जागना पड़ता है अभी जो है दिन में सो लेता है तो फिर नाइट में वो देर से सोता है तो सोचा नाइट में ही वैसे भी इतना लेट होता ही है तो और एक घंटा सही तो फिर जो है हलवा बन जाएगा तो इस वजह से मैंने नाइट का टाइम चुना था और तो इस वजह से खाना पीना जो है मैंने कर लिया था थोड़ा सा जल्दी और उसके बाद लग गई थी अपना क्लीनिंग में ताकि क्लीनिंग के बाद फिर मैं अपना जो हलवा है वो बना सकूँ तो आज आपको जो है एक हलवे की न्यू रेसिपी देखने को मिलेगी इसमें ना ही तो मैं गाजर को ग्रेट करने वाली हूँ ना ही उनको बॉईल करने वाली हूँ ना ही दूध यूज़ करूँगी एंड ना ही मैं मावा डालने वाली हूँ तो बस मैं जो है मलाई से हलवा बनाऊँगी किस तरह बनाऊँगी तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो यहाँ पर किचन जो थी वो मैंने क्लीन कर दी थी और जो झाड़ू थी वो भी लगा दी थी और उसके बाद अब मैं यहाँ लग गई हूँ बर्तन धुलने में तो जल्दी से बर्तन धुल देते हैं और अभी जो है आ, अभी और उसके पापा जाग रहे हैं बाबू तो सो गई है क्योंकि वो दिन में नहीं सो पाती है तो वो जो है जल्दी सो जाती है हाँ कभी कभार होता है कोई फिल्म वगैरह अच्छी आती है तो वो देखने लग जाती है बट वो जल्दी सो जाती है अभी से बट अभी जो है वो दिन में कई बार सो लेता है तो फिर वो नाइट में परेशान करता है मुझे और मैं भी इस वजह से सोने देती हूँ कि मैं उतने में अपने कोई काम निपटा लेती हूँ तो यहाँ बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं आ गई थी रूम में और बेड पर ही मैं गाजर लेकर बैठ गई थी और हस्बैंड फिल्म देख रहे थे तो मैं भी जो है फिल्म देखने में लग गई थी भूल भुलैया टू आ रही थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और साथ में मेरी जो गाजर थी वो भी मैं काट रही थी तो गाजर को मैंने छील लिया था और उसके बाद छोटे छोटे पीसीज में मैं कट कर लूँगी और इसी तरह से मैं हलवा बनाने वाली हूँ तो हलवा जो गाजर को ग्रेट कर कर बनाते हैं उसका टेस्ट तो एकदम मस्त होता ही है उसकी तो बात ही अलग है बट गाजर को जो है बॉईल कर कर और इस तरह से भी जो हलवा बनता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है मैंने जो है उन दोनों तरह से हलवा बनाया है बट ये तरीके से मैं पहली बार हलवा बनाने वाली हूँ कई कुकिंग चैनल पर मैंने रेसिपी देखी थी तो सोचा क्यों ना इसी बार इस तरह से जो है ट्राई करते हैं इस बार देखते हैं कि कैसा बनता है तो बस वही है मैं यहाँ पर गाजर लेकर बैठ गई थी उन्हें काटने के लिए और अभी ने जो है गाजर ले ली थी खा रहा था और गाजर थी भी बहुत मीठी काफ़ी जो है अच्छी लग रही थी खाने में और कलर भी एकदम डार्क जो है रेड था और बहुत ही मीठी थी तो बस यहाँ पर गाजर थी वो मैंने काट दी थी और उसके बाद मैं गाजर को रख आई थी और फिल्म ख़त्म हो गई थी तो हस्बैंड सो गए थे और अभी को भी मैंने जो है सुला दिया था तो अब सभी लोग सो गए हैं और मैं लग गई हूँ यहाँ अपने काम में अपना जो हलवा है वो बनाने के लिए क्योंकि अभी अगर जागरा होता तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि वो बीच बीच में फिर मुझे बुलाता तो फिर जो है बीच में हलवा लग जाता जल जाता तो दिक्कत होती तो इस वजह से कुछ देर में उसके पास लेट गई थी उसको सुला दिया था और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ हलवा बनाने के लिए और यहाँ लगभग जो है साढ़े दस का टाइम हो रहा होगा थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी हो रहा होगा मैंने जो है सही से टाइम देखा नहीं था तो यहाँ पर गैस पर मैंने रख दी है कढ़ाई और उसमें मैंने ले लिया है लगभग एक चम्मच के करीब घी और इसके बाद हम आ, क्या करेंगे जो हमने गाजर काटी हैं इस तरह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसीज में इनको हम इस घी में जो है दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे एंड मैंने बिल्कुल उसी तरह से जो है फॉलो किया था जैसे मैंने कुकिंग चैनल में देखा था तो काफ़ी जो है अच्छे से बन गया था जैसा जैसा बताया था वैसे ही जो है बन गया था तो यहाँ पर दो से तीन मिनट हो गई थी और गाजर का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है और उसके बाद हमने डाल दी है यहाँ पर चीनी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चीनी डाल दी है बहुत ज़्यादा जो है मीठा हमें पसंद नहीं है ना ही मुझे ना ही हस्बैंड को तो बस चीनी मैंने थोड़ी कम ही डाली थी ऊपर से गाजर थी वो भी मीठी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीनी थी उसने पानी जो था वो छोड़ दिया था और उसी पानी में जो है ये गाजर थी वो पक गई थी और लगभग इसमें दस से पंद्रह मिनट का टाइम लग गया था आराम से और इतने में ये गाजर अच्छे से जो थी पक गई थी अब मैंने यहाँ पर ले लिया था आलू मैशर और उससे गाजर को अच्छे से मैंने मैश कर दिया है तो जो हम गाजर, गाजर बॉयल uh, कर कर हलवा बनाते हैं उसमें जो है टेस्ट तो आता है बट इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है क्योंकि उसमें जो है हल जो क्रंचीपन होता है गाजर का वो ख़त्म हो जाता है बट जो गाजर को ग्रेट कर कर बनाते हैं और इस तरह से जो हमने ये बनाया है इसमें हल्का हल्का क्रंचीपन था जिससे जो है हलवा काफ़ी टेस्टी बना था तो यहाँ पर गाजर को अच्छे से मैस करने के बाद मैंने यहाँ पर ले ली थी मलाई तो ये तीन चार दिन की मलाई थी जो मैंने अलग से निकाली थी मलाई वाले भगोने से अलग क्योंकि उसमें पुरानी मलाई थी तो ये फ्रेश मलाई रखने के लिए मैंने अलग से निकाली थी और इसको मैंने डाल दिया है और इसको हम चलाते हुए अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको जो है जब तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गाजर की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई थी और उसके बाद पकाते पकाते जो है कुछ इस तरह का जो हलवा था हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब इसमें जो है मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है पानी भी बिल्कुल भी नहीं है तो गाजर का हलवा हमारा हो गया है रेडी और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और मैंने इसमें जो है कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है क्योंकि बाबू भी जो है गाजर का हलवा खा लेती है वैसे वो और कोई हलवा नहीं खाती है सूजी वगैरह का बट गाजर का खा लेती है लेकिन जो उसमें ड्राई फ्रूट डले होते हैं वो नहीं खाती है फिर वो निकाल निकाल कर डालती है तो इस वजह से मैंने डाले ही नहीं हैं बस ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो है थोड़े से मैंने डाल लिए थे और उसके बाद फिर वो मैंने हटा दिए थे तो यहाँ पर मैंने हलवा निकाल लिया है और बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ था आप एक बार जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के बिना दूध के बिना जो है मावे के आप ये हलवा बना सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है काफ़ी टेस्टी लगता है और हल्का हल्का सा क्रंचीपन भी रहता है तो आप देख सकते हैं तो चलिए यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग का एंड आशा करेंगे आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज